हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल ऑल स्कूल्स कॉलेजेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीटेक इन इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन के बारे में। आप लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनसे आप बीटेक इन इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसका क्या स्कोप है, कौन कौन सी रिक्रूटिंग कंपनीज हैं जो आपको हायर करेंगी, आपकी मिनिमम सैलरी कितनी होगी, आपकी मैक्सिमम सैलरी कितनी होगी, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। लेट्स सी द कोर्स हाइलाइट्स। The level of this course is graduation. Duration of this course is 4 years. Examination type is degree course. Eligibility for doing this course is 10+2. Admission process is entrance based or merit based. Average tuition fees is rupees 2 lakh to 5 lakh per annum. Average salary is rupees 5 lakh to 15 lakh per annum. आपकी जो job profile हो सकती है वो है industrial designer, industrial engineer, assistant प्रोफेसर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, ऑपरेशन रिसर्च, नेटवर्क मॉडलिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एटसेट्रा। व्हाट शुड बी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डूइंग बीटेक इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? साइंस एट इंटरमीडिएट लेवल, दैट इज 10+2, विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। सम ऑफ द वेरी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स कंडक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन। Entrance examination conducted both at national and state level by JEE, AIEEE, BITSET, etc. Common entrance exams जो हैं वो JEE Mains, JEE Advanced and many more. B.TECH in industrial production होता क्या है? Industrial production engineering is the branch of engineering which deals with the study to develop, improve, implement and evaluate the integrated system of people, money, knowledge, information, equipment, energy material and the industrial process. Industrial engineering can also be termed as operations management, production engineering, manufacturing engineering or manufacturing systems. Who should opt this course? Who is interested in the study of mechanics, thermodynamics and other mechanics related subjects? Somebody who dreams of developing the career in best software as well as production industries should go for this course. Required skill sets for doing this course: the ability to work well under pressure, problem solving skills, relevant technical knowledge, commercial awareness, good leadership skills, IT skills, analytical skills, team working skills, etc. Guys, baat karte hain ki aapka syllabus kya kya hoga for doing this course. तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए और अपना सिलेबस देख लीजिए कि आपका सेमेस्टर फर्स्ट से लेकर के सेमेस्टर 8 तक का सिलेबस क्या क्या है। पॉपुलर कॉलेजेस कौन कौन से हैं? दैट इज IIT न्यू दिल्ली, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जलंधर, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर। जॉब प्रोफाइल आफ्टर बीटेक इन इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, दैट इज डिजाइन इंजीनियर, प्रोजेक्ट लीडर, सीनियर डिजाइन इंजीनियर, R&D एग्जीक्यूटिव, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, इंडस्ट्रियल सेल्स इंजीनियर एटसेट्रा। एम्प्लॉयमेंट एरियाज आफ्टर बीटेक इन इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन क्या क्या है? दैट इज ऑटोमोबाइल्स, रिफाइनरी, ऑटोमेशन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज। पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एरियाज आफ्टर बीटेक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या क्या है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज कौन कौन सी हैं जिनमें आप जॉब कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स? दैट इज बजाज, कैटरपिलर, गोदरेज, JCB, हीरो, अशोक लेलैंड, फोर्ड, महिंद्रा एंड मैनी मोर। आपकी सैलरी कितनी होगी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स? तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है और आप कौन से कंपनी में जॉब करते हैं। अगर आप एक डिजाइन इंजीनियर हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 1.7 लाख टू मैक्सिमम 9.2 लाख पर एनम तक हो सकती है। अगर आप एक प्रोजेक्ट लीडर हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 2 लाख टू मैक्सिमम 16 लाख पर एनम। अगर आप एक सीनियर डिजाइन इंजीनियर हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 2.7 लाख टू मैक्सिमम 11.5 लाख पर एनम। अगर आप एक R&D एग्जीक्यूटिव हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 1.7 लाख टू मैक्सिमम 14.2 लाख पर एनम। अगर आप एक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी 2.1 लाख टू मैक्सिमम 15.1 लाख तक हो सकती है। गाइस, ये सारा एनुअल सैलरी का डाटा हमने आपको एक ग्राफ के थ्रू भी समझाने की कोशिश करी है,
जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये आपको जो ब्लू वाली लाइन नजर आ रही है ये आपकी मिनिमम सैलरी है, ब्राउन वाली इज मीडियम सैलरी एंड द ग्रीन लाइन इज मैक्सिमम सैलरी। अगर आप लोग के माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो अबाउट दिस कोर्स तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो, हमारी वेबसाइट है allschoolscolleges.com। अगर आप चाहें तो हमें फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल स्कूल्स कॉलेजेस को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज हिट द बेल आइकन ताकि आप सबको ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।